नमस्कार, कच्चा चट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। इस बार के नतीजों में कई तरह के मिथक भी टूटे हैं और कईयों की परिवारवादी छवि को भी जनता ने नकार दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जम्मू कश्मीर का, जहां के नतीजों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के संसद जाने पर ब्रेक लगा दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से अपनी परंपरागत सीटों को भी दोनों पूर्व सीएम नहीं बचा पाए, सब कुछ आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर ने दिया बड़ा संकेत, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की हुई हार, संसद नहीं पहुंच पाएंगे उमर अब्दुल्ला, जम्मू की दो सीटों पर लहराया भगवा। जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर हो गया है, वहां दशकों से प्रभावशाली रही दोनों प्रमुख दलों के मुखिया चुनाव हार गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि JKNF के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी JKPDP अपने अपने सीटों से चुनाव हार गए हैं। उमर अब्दुल्ला बारामूला तो महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोक रही थी। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने दो सीटों पर भगवा लहरा दिया है। बात अगर करें बारामूला की तो यहां पर खुद ही पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार कबूल कर ली। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य को स्वीकार करने का समय है। उत्तरी कश्मीर में जीत के लिए इंजीनियर राशिद को बधाई। मुझे नहीं लगता कि उनकी जीत से उन्हें जेल से जल्दी रिहाई मिलेगी और ना ही उत्तरी कश्मीर के लोगों को वह प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसका उन्हें अधिकार है। लेकिन मतदाताओं ने अपनी बात कह दी है और लोकतंत्र में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि लोगों के फैसले का सम्मान करते हुए मैं अपने PDP कार्यकर्ताओं और नेताओं को तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत और समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं। मुझे वोट देने वाले लोगों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। हारना जीतना खेल का हिस्सा है और यह हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकता। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में 35 साल के बाद जमकर मतदान देखने को मिला। पहले राज्य में 6 लोकसभा सीटें थी, लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बची हैं। बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर। 2019 में जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा की सीटें होती थी। 2019 में भाजपा ने 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया था। भाजपा ने जम्मू, उधमपुर और लद्दाख सीट पर भगवा लहराया था। वहीं कश्मीर घाटी की 3 सीटें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव जीता था। कई एग्जिट पोल में इनके गठबंधन को 3 और NDA को 2 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में 100 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ, जिनमें वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दो पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती है। कठुआ, उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह है, जबकि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बारामूला और अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, उमर अब्दुल्ला को पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि PTC के सज्जाद गनीलोन और अवामी इतिहाद पार्टी यानी कि AIP के इंजीनियर राशिद ने काफी चुनौती दी, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मियां अल्ताफ अहमद से चुनौती मिल रही थी। लेकिन उसके बाद खुद ही दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी हार को कबूल कर लिया और अपनी परंपरागत सीट भी नहीं बचा पाए। अब आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 1998, 1999 और 2004 में लगातार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी 4 बार यहां से जीत चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती 2004 और 2014 में अनंतनाग से सांसद रही हैं। उनके पिता भी यहां से 1998 में जीत दर्ज कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती
मोहम्मद सईद दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसे जिस तरह के नतीजे जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं उसके बारे में वोटिंग के परसेंटेज को देखकर ही कई लोगों ने अंदाजा लगाया था, क्योंकि 370 हटने के बाद वोटिंग प्रतिशत ने सबको हैरान कर दिया था, चौंका दिया था। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां हुए पहले चुनाव में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इसके साथ ही राज्य के विधानसभा को भी स्थगित कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश में हुए इन सभी बदलावों के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए। 3 दशक से ज्यादा समय से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2024 में पहली बार जबरदस्त वोटिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी के श्रीनगर क्षेत्र में लगभग 58% वोटिंग हुई थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 14.1%, 2014 में 25.9%, 2009 में 25.06%, 2004 में 18.06% और 1999 में 11.9% वोटिंग हुई थी। उससे पहले जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में कई बार चुनाव स्थगित करने पड़े थे। इस बार श्रीनगर सीट पर 24 उम्मीदवार थे। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17.48 लाख मतदाता हैं। लद्दाख के अलग हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये 5 सीटें हैं बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर। 7 मई को अनंतनाग राजौरी में चुनाव था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि कश्मीर में आतंकवाद के दौर की शुरुआत के बाद यानी करीब बीते 35 सालों में पहली बार किसी संगठन ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा नहीं की थी। अब उसी का नतीजा दिख रहा है जिसमें 2 पूर्व CM अपनी सीटें भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब वो हालात नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। और इसका एक सबूत ये भी है कि जो शहला रशीद कभी पीएम मोदी और बीजेपी की कट्टर विरोधी हुआ करती थी वह अब उनकी फैन हो चुकी हैं। दरअसल अभी हाल ही में शहला रशीद का एक बयान सामने आया था। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व नेता शहला रशीद कभी नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ साल में वो लगातार उनकी प्रशंसा कर रही हैं। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती हैं। शहला रशीद ने अब पहली बार इस बदलाव पर खुलकर अपनी कुछ वक्त पहले ही बात रखी थी। शहला रशीद ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में 19 मार्च 2024 को कहा था कि वह नहीं बदली हैं, बल्कि कश्मीर में स्थिति बदली है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 180 डिग्री का यूटर्न ले लिया, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं नहीं बदली हूं, बल्कि सही मायने में कश्मीर में जमीनी हालात बदले हैं। मैं केवल उस बदलाव को स्वीकार कर रही हूं। शहला रशीद ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से घाटी में हुए विकासात्मक बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि हाल ही में पीएम मोदी के रैली के लिए आम कश्मीरी कैसे कतार में खड़े थे। मेरा एजेंडा शासन को बदनाम करना नहीं है, ये अपने आप में एक बदलाव है। अब यहाँ के लोग भी सड़कों और बिजली कटौती से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। वर्षों पहले यहाँ का एकमात्र ज्वलंत मुद्दा आजादी की मांग तक ही सीमित था। ऐसा नहीं है कि घाटी लगातार प्रधानमंत्री के नाम का जाप कर रही है, बल्कि लोग अब उस सरकार से शिकायतें कर रहे हैं जिसे वे अपना मानते हैं। पूर्व छात्र नेता शहला रशीद ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान उनका रुख और विकसित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम मास्क लगाने, टीके और लॉकडाउन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का विरोध कर रहे थे। आपका विरोध कभी कभी बनाए गए खेमों के कारण होता है। सरकार के पास बदलाव का एक अलग सिद्धांत था और हमारे पास भी एक अलग सिद्धांत था। उदाहरण के लिए 10 साल पहले हम सर्विलांस के मुद्दे पर आधार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब हम डीजी यात्रा और डीजी लॉकर जैसे ऐप का उपयोग करते हैं। कार्यक्रम में शहला रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की थी और कहा कि कभी कभी अपने बड़ों की बात सुनने में कोई बुराई नहीं होती है। जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना पीएम मोदी का अनुभव है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने परिवारवादी लोगों को नकारा है और बदलते वक्त के साथ ही अपना रुख भी बताया है, वो काफी अहम और दिलचस्प है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।